साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपीपीएससी प्रीलिम्स के 2018 में जियोग्राफी सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कैसे उनको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस समय करंट की बात करें आज के डेट में तो जो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है नोहकालीकई। क्या नाम है? नोहकालीकई, जो कि कहाँ मिलता है आपका? मेघालय में। ये कहाँ पे है? मेघालय में, क्योंकि क्वेश्चन उसमें पूछा गया था और उसमें आयोग ने कौन सा माना था आपका? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता तो आप क्या बोलते हैं? नोहकालीकई। बट बहुत सी बुक्स में आज भी आपको कुंचिकल जलप्रपात मिल जाएगा, आयोग ने कुंचिकल जलप्रपात माना है, हम उसी को मानेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है? पहला, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बिल्कुल आपको पता है, सही बात है ये भी। करेक्ट, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ये भी सही आपको पता होगा, रेगुर मिट्टी बहुत ही उपजाऊ भी होती है और एक अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। बिल्कुल सही है, आपको पता है कपास के बहुत अच्छी होती मिट्टी है तो, और इसमें जो ह्यूमिडिटी या पानी को जो ग्रहण करने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। सही है। फिर कह रहे हैं काली मिट्टी हमारे क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा जो काली मिट्टी होती है हमारे क्षेत्र में नहीं मिलती है। काली मिट्टी जो होती है वो आपके जो डेक्कन का पठार वगैरह हो गया, फिर आपका कुछ महाराष्ट्र का एरिया हो गया, कुछ एमपी, कुछ महाराष्ट्र का इस टाइप के जो एरियाज है वहां मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी गलत, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। आपको पता होगा पैट क्वेश्चन बार बार वन लाइनर टाइप का, कि जो मैकमोहन रेखा होती है वो भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, और ये कब इसका निर्धारण किया गया था? इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। याद देखिए कब निर्धारण किया गया था? 1914 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो आपको मृदा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो जो इफिडेविक होता है, इफेटिव। ठीक है, इफेटिव, तो इसी को हम बोलते हैं कि जो इडेफिक है यही आपका मृदा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटीय रेखा सबसे लंबी? आपको पता होगा भारत में के राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा वो किसकी? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र वगैरह आता है। ठीक है, तो मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे लंबी रेखा किसकी? गुजरात की। नेक्स्ट कह रहा है विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर जिसको तिरुपति बालाजी मंदिर बोलते हैं निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि जो आपका भगवान वेंकटेश्वर का जो मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो शेषाचलम पर्वत पे है। किस पे है आपका? शेषाचलम पर्वत, शेषाचलम पर्वत पे। ठीक है, और ये जो शेषाचलम और जो शिवराय की बात बोली जा रही, कुछ लोग शिवराय भी चल रहा है, जो शिवराय की बात होती है, जो शिवराय पहाड़ियां हैं वो वेल्लोर और तिरुनमलाई जिले में है जो कि आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो कुछ तो चूंकि ऑप्शन आपका था ही नहीं इसमें तो आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या करता, एलिमिनेट कर दिया था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार? आपको पता होगा जो आपका राजस्थान मरुस्थल होता है वो आपका, देखिए आपको पता राजस्थान जो आपका थार मरुस्थल है वो आपका भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और जब इसकी बात की जाती है कि इसका विस्तार कहाँ से है तो आप याद देखिएगा जो आपका प्लिस्टोसिन और अभिनव जमाव। ठीक है, इसका जमाव कहाँ तक है? प्लिस्टोसिन और अभिनव जमाव इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी, मतलब कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? याद देखिए क्या पूछा रहा है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलते। आपको पता होगा गोदावरी, कावेरी, कबाम, ये सारी की सारी आपकी पश्चिमी घाट से निकलते हैं, पर जो तापी या ताप्ती नदी है ये आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, बाकी सारी निकलती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि आपको पता होगा जो ताप्ती नदी होती है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ निकलती है? एमपी के बैतूल जिला, एक एमपी का बैतूल जिला वहीं से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी फसलें हैं? तो आपको पता होगा कि सारी की सारी आपकी अमरूद, अंगूर की फसलें, और अंगूर आपको पता है सबसे दिखा होता है आपका महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता ही होगा कि इसमें आपका केरला जो है वही आपका टॉप पे है। ठीक है, कि जो छोटी इलायची और काली मिर्च होगा इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हमारा केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची को सूची दूसरे में मिलाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजे आते हैं, अगर एक आध बार आप कर लेते हैं ठीक है तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको पता होगा जो केरल है इसका क्या हमारा है? अनाईमुद्दी। केरल का क्या होता है? हमारा अनाईमुद्दी। और तमिलनाडु का क्या होता है? दुद्धावेटा। तमिलनाडु क्या होता है? दुद्धावेटा। दो मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिए। ठीक है,
चलिए अब ए का तीन मतलब ऑप्शन ए, और डी का मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड का क्या हो जाएगा, जो नंदा देवी है आपको पता है नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड आपको पता ही है, और आपका जो सारामती है वो कहाँ है, नागालैंड में। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सॉरी वनस्पति जलवायु का सही सूचक है कथन संबंधित है। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत ज्योग्राफी में ही हम इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसका जो मतलब हमें ये बताना है कि ये कथन किसका है। ठीक है, जो वनस्पति होती है वो जलवायु का सही सूचक है, ये कथन आपका कोपेन का है। ठीक है, आपने कोपेन अगर अक्सर सम्मेलन के बारे में पढ़ा होगा, ये कोपेन का ही आपका कथन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित देशों में किसमें पम्पास घास स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होगा जो पम्पास घास है वो बहुत से बहुत से जो भूमध्य रेखीय देश है वहां पे मिलते हैं, जिसमें अर्जेंटीना है मेनली। ठीक है, पम्पास घास कहाँ मिलती है आपकी, अर्जेंटीना में मिलती है, इसके साथ ब्यूनस आयर्स मिलती है, संतापे मिलती है, ब्राजील में भी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसमें दो दो थे, बट आयोग ने इसका आंसर आपका एक ही माना था, तो हम भी अर्जेंटीना ही मान लेंगे। ठीक है चलिए, बट होना क्या चाहिए, अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों ही होना चाहिए। ठीक है आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, क्या आप उनसे बता पूछना है हमें कौन सा सही नहीं है। आपको पता होगा कि जो आपका मरुस्थल है सोनोरन मरुस्थल, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, जो तकला मकान है ये आपका चाइना फेमस है, आपका काराकुम आपको पता होगा बहुत ही फेमस है, आपका ये आपका तुर्कमेनिस्तान में ही है, तो हमारा क्या नहीं, जो गिब्सन है वो ब्राजील में नहीं है, गिब्सन कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन कहाँ मिलता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन हमारा क्या डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्वेज नहर के बंद जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी है। आपको पता होगा जो स्वेज नहर है वो बहुत ही आपकी अक्सर न्यूज में भी रहती है। ठीक है, आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा भी होगा कि एक हमारा एवरग्रीन टाइप का जो सॉरी कुछ सालों पहले एवरग्रीन वहां पे फंस भी गया था। ठीक है, तो स्वेज नहर है ये भारत और यूरोप के बीच की दूरी इसने करीब 7,000 किलोमीटर कम की है, सोचिए कितना कम किया है। ठीक है, अबाउट 7,000 किलोमीटर इससे डिस्टेंस हमारी कम हो जाती है। ठीक है, और जो आपको पता होगा जो स्वेज नहर में समुद्री जो कह सकते हैं कि यातायात तो स्टार्ट हुआ था वो करीब आपका 19th सेंचुरी में हुआ था, मतलब 1869। ठीक है, 1869 वगैरह में, आपको पता होगा ये गांधी जी का बर्थडे वगैरह याद रखेंगे याद। चलिए, निम्नलिखित में से किसने किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, ये भी आपको पता होगा कि जो आपका जो मिसिसिपी में ही आपका पंछी के पंजे वाला जो डेल्टा बहुत ही फेमस है आपका। ठीक है, ऐसा बनता बना रहता है, ये आपका कहाँ है मिसिसिपी में, कहाँ है आपका मिसिसिपी में। ठीक है चलिए, और इसमें जो मिसिसिपी नदी जो होती है वो आपकी आपको पता है मैक्सिको खाड़ी में गिरती है, तो पंजे की आकृति टाइप का बनाती है वो। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए आपको पता है नमक तो अक्सर आयोडीन मिला के खाते हैं। ठीक है चलिए, तो जब बात की जाए आयोडीन की सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो कौन सा आपका चिली देश है, कौन सा देश है आपका चिली देश है। ठीक है, और चिली के बाद अगर पूछा जाता तो हमारा जापान हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। हम अगले प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमसे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, आइए विचार कर लेते हैं हम। पहला कह रहा है पहला सरीसृप आया, वैसे विज्ञान का क्वेश्चन है बट इवन दे दिया कोई दिक्कत नहीं, पहला सरीसृप, पहला कीट कवच वाले जीव, या पहला आपका स्तनधारी। ठीक है, तो आपको पता होगा इसमें अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आया, तो आपको पता होगा कि जीवों को जो बनने का जो क्रम है उसमें सबसे पहले आपके मतलब पानी में जीव पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे आपके पानी में, तो पहले हमारे क्या पानी में, देखिए इसमें कौन सा हो सकता है पानी में कवच वाले जीव कहाँ हो जाएंगे पानी, मतलब तीन ऑप्शन, तीन पहले होना चाहिए, तीन ऑप्शन हमारे ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब स्तनधारी तो सबसे लास्ट में आएगा ना, तो देखिए फोर इसमें लास्ट में आ गया इन्हीं दोनों, तो देखिए तीन हमको पहले मिलना चाहिए, भाई कवच वाले जीव पानी में रहेंगे और स्तनधारी बाद में रहेगा, तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, उसके बाद कीट हो जाएगा, फिर आपका सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, आपको पता है रेशम शहद लाख मोती, इनमें से कौन सा आपको, जो मोती आपको पता होगा कीटों से नहीं प्राप्त, कीट कहने का मतलब ये होता है जो आर्थ्रोपोडा फाइलम से रिलेटेड हो। ठीक है, पर जो मोती होता है वो आपका जो मोती होता है वो आपका पता होगा किससे रिलेटेड नहीं होता है, वो आपका मोलास्का फाइलम से रिलेटेड होता है। ठीक है, मोलास्का फाइलम से किससे, मोलास्का फाइलम से सारे सारे हमारे किससे आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है, तो ये हमारे इनको हम कीट कहेंगे, बस को हम कीट नहीं कहेंगे। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, उपयुक्त तो हो सकता है, आपको पता है हम मंगलयान अक्सर चला ही रहे हैं, तो याद रखिए कि जो मंगलयान है जो मंगल है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो सकती है, तो इसी को हम जीवन के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 2018 का पूरा क्वेश्चन, करीब 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन थे, आप इसको पक्का सॉल्व करिएगा, आपको मजा आएगा, अगर आपको कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे
हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।